हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट का लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है और लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर लगभग 2500 से अधिक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिक्स का इससे पहले 300 क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज जो है कंप्यूटर का दूसरा दिन होगा जिसमें 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान जो है आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, यह आपको बताना है। फोरट्रॉन, पास्कल, कोबोल या C++। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबोल। कोबोल जो है अंग्रेजी भाषा के समान और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? आपको बताना है कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त दस्तावेजीकरण जो है संभव है। फोरट्रॉन में, कोबोल में, पास्कल में या C++ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबोल। कोबोल में जो है सर्वाधिक दस्तावेजीकरण संभव है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोरट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? आपको बताना है फोरट्रॉन, एल्गोल और पास्कल, ये सब भाषाओं को सिखाने के लिए जो है किस भाषा की नींव की पत्थर कहा जाता है? C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबोल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोरट्रॉन, कोबोल, पास्कल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोरट्रॉन। फोरट्रॉन जो है वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर, ये सारा जो है भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? आपको बताना है बेसिक भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा में सिखाने हेतु जो है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छन्न भाषा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर जिस भाषा को समझते हैं वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो है मशीनी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखिएगा ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भाषा, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है, यह आपको बताना है कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक अधि प्रारूप, नाभिकीय अनुसंधान हेतु, दीर्घ हैड्रन संगठनी का एक हार्डवेयर घटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होता है कंप्यूटर ग्रिड, ये एक ही कार्य को करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ रहता है और जिसमें एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर की अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन जो है प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, कई कंप्यूटर जो है जुड़े होते हैं और कोई विशिष्ट काम के लिए ही कंप्यूटर ग्रिड को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। IBM, एप्पल, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर का जो है निर्माण किया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ओरेकल है, आपको बताना ओरेकल क्या है। एक परिचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड जो है सभी जो है संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर पासवर्ड जो होता है कोई इलीगल प्रवेश को जो है रोकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों के टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है कहलाता है। मॉडेम, मॉनिटर, माउस, ओसीआर। आपको बताना है वह युक्ति का नाम, उस युक्ति का नाम बताइए जो आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। बताना है आपको विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। जापान, रूस, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह आपको बताना है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। आपको बताना है नासा द्वारा विकसित जो है सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन, परम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया जो है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकन वैली है। यह आपको बताना है भारत में जो है सिलिकन वैली किसे कहते हैं। बेंगलुरु में सिलिकन वैली कहाँ है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपको बताना है। एनियक, सिद्धार्थ, परम या डीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनियक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछेगा तो एनियक हो जाएगा और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर पूछेगा तो यूनिवैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर बताना है सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगर भारत का सुपर कंप्यूटर पूछता तो परम हो जाता और सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो पीयूष है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर बनाती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के संस्थापक को का नाम बताना है आपको। सबीर भाटिया, बिल गेट्स या और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है WWW का पूर्ण रूप बताना है आपको। वेब, वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। सूचना राजपथ, सूचना जिसके द्वारा जाता है, सूचना का जो रास्ता होता है वह होता है, वो इंटरनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन, गोलिट्सबर्ग, रो रेड टॉमलिंसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड टॉमलिंसन। ईमेल के जो जन्मदाता है रेड टॉमलिंसन है, और यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? ये आपको बताना है। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बेंगलुरु 1971 में, IISCO 1965, ISO कोलकाता 1955। तो आपको बताना है भारत का पहला कंप्यूटर जो है कब और कहाँ लगाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ISO कोलकाता 1955 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड डाकघर आपको बताना है, पोस्ट ऑफिस, नई दिल्ली का, कोलकाता का, मुंबई का, चेन्नई का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली का। भारत का जो कंप्यूटराइज्ड डाकघर था वो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत जो सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण जो व्यवस्था जो लागू किया गया था वो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र का नाम बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कोप, वर्ल्ड वाइड वेब, फायरफॉक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWE जो है प्रथम वेब ब्राउज़र है। तो आज भर के लिए इतना ही, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला काम जो है, आपको 30 में से कितने नंबर आए ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और लाइक करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं तब तक के लिए अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।